करीब दो हफ्ते पहले रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग शुरू हुई तब बात शुरू हुई कि यूक्रेन तो एक ऐसा देश है जहां भारत के करीब 20,000 छात्र पढ़ते हैं। जंग होने लगी तो लगा कि ये छात्र अब वापस यूक्रेन में फंस गए हैं और इन्हें निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। सरकार ने कोशिश की और वो कोशिश रंग लाई। अब यूक्रेन में फंसे छात्रों की देश वापसी शुरू हो गई है और इसी के साथ एक सवाल भी शुरू हो गया है कि आखिर यूक्रेन में ऐसा क्या है कि भारत के छात्रों को वहां पर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती है, और आखिर क्या है यूक्रेन में कि जिसे डॉक्टर बनना होता है उसके लिए यूक्रेन से बेहतर कोई और जगह होती ही नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। पिछले दो दशकों में यूक्रेन ने फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या में गजब का उछाल दर्ज किया है और भारत के छात्रों के लिए यूक्रेन एक बहुत बड़े अट्रैक्शन के तौर पर उभरा है। यूक्रेन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सभी देशों में भारत सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को यूक्रेन भेजता है और विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों के लिए यूक्रेन सबसे पसंदीदा है। डेटा के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जून 2021 में एक डेटा पेश किया था जिसमें बताया गया था कि भारत के 18,000 छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं और ये जो आंकड़ा है वो रूस, फ्रांस और बाकी के यूरोपियन देशों से कई ज्यादा है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात ये है कि जो छात्र हैं वो किसी और कोर्स में नहीं बल्कि मेडिकल के कोर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। डेटा से पता चलता है कि 2019 में यूक्रेन में पढ़ने वाले 80,470 विदेशी छात्रों में 32.3% ने मेडिसिन की डिग्री के लिए साइन अप किया था। दूसरे स्थान पर 7.7% छात्रों ने मेडिसिन प्रैक्टिस लिया था और 6.3% छात्रों ने डेंटिस्ट के लिए अप्लाई किया था। नाउ द इवैक्यूएशन प्रोसेस इंडिकेट्स दैट मोस्टली स्टूडेंट्स यूक्रेन में MBBS करने के लिए ही पहुंचे थे, जो कि वहां पर लगभग 45 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसका जवाब है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई में जितना खर्च लगता है उसके मुकाबले यूक्रेन में कम पैसा लगता है। यहाँ की फीस के मुकाबले यूक्रेन में 60-70% तक का कम फीस लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई का स्तर ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे भारत में रजिस्ट्रेशन या प्रैक्टिशन के लिए एक क्वालिफाइड एग्जाम देना पड़ता है। उसके पास होने के बाद छात्रों को भारत में MBBS डिग्री वाला माना जाता है। ऐसे में यूक्रेन से वापस आने वाले कई छात्र क्वालिफाइड छात्र एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं और उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। यूक्रेन में MBBS हो या इंजीनियरिंग, दोनों विषयों की पढ़ाई कम खर्च में अच्छी होती है। यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भारत में हर साल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके बाद यूक्रेन की सरकार से परमिशन लेकर आसानी से प्रवेश मिल जाता है। लेकिन एक और वजह है जिससे जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो वजह है यूक्रेन यूरोपियन बाजार में प्रवेश करने का अवसर भी देता है। खासकर जब 2005 में बोलोगना प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया, जो कि हायर एजुकेशन में यूरोपियन देशों के बीच डिग्री और कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। 18,000 फॉरेन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे, जो 2011 तक बढ़कर 53,664 हो गए। 2019 में नामांकित लोगों की नेशनैलिटी के टूटने से पता चलता है कि लगभग 22.9% छात्र भारत से थे, मोरक्को से 10.23%, अजरबैजान से 6.8% और तुर्कमेनिस्तान से 6.6% छात्र और नाइजीरिया से 5.4% छात्र यूक्रेन पढ़ने गए थे। तो यही वजह थी कि भारत के जो छात्र हैं भारत छोड़ करके दूसरे देश यूक्रेन जा रहे थे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और ऐसे ही डिटेल स्टडीज के लिए, विश्लेषण के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।